कुंभकर्ण क्यों सोता था 6 महीने। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों रावण व विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने इनको दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उससे इंद्र शासन मांगने वाले थे। इसके बाद देवताओं पर रावण का अधिकार हो जाता जिससे इंद्र बहुत ही डर गए और वे भगवान ब्रह्मा के वरदान देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि किसी की तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देव इंद्र माता सरस्वती के पास गए उन्हें सारी बात बताई तो सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देव इंद्र से कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा तब मैं सरस्वती उनकी जीप पर बैठ जाऊंगी जिसके कारण वो इंद्र शासन की जगह निंद्र शासन मांग लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।